हाय, आप लोग नहीं पता है मेरे साथ अभी क्या हुआ। उन्होंने, उनका एम्प्लॉय ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा वीडियो से शूटिंग करनी इजाज़त नहीं है, तो मैंने अंदर से शूटिंग करना ख़त्म किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगी, खैरियत से होंगी, शुक्र अल्लाह का मैं भी ठीक हूँ। अभी मैंने इफ्तारी बनाना है, तो सहरी बनाया था मैंने और शॉपिंग भी आप लोगों को दिखाया था। ये मेरी लिस्ट है, आज मैं तुर्किश इफ्तारी बनाऊंगी। हाउ तुर्किश पीपल्स डू इफ्तारी एंड हाउ वी आर मेकिंग इफ्तारी, यही सारी प्रिपरेशन मैंने आप लोगों को भी दिखाना है। तो मैंने अभी पहले मार्केट जाना है। अभी बस मेरी घर के बिल्कुल सामने मार्केट है, मैं उधर जाती हूँ शॉपिंग करूँगी, तो आप लोगों को दिखा देती हूँ तुर्किश इफ्तारी कैसे होती है। इधर फ्रूट्स है। एक्चुअली आपको पता है कि मेरी नियत पाकिस्तानी है, वो ऐसे दही बेले और फ्रूट चाट समोसे खाती है। इसके लिए मैं अभी फ्रूट्स लूँगी इसके लिए बनाने के लिए। इधर थोड़ा सा सस्ता लगता है, ये एप्पल चार तुर्किश लिरा का है, शायद मैं इससे ले लूँ। बुंदान भी यारम किलो वैक्सीन, आधा किलो लिया मैंने, आधा किलो भी दो तुर्किश लिरा बनेगा, सस्ता है इधर। Elma dört oldu. Bir kilo elma dört oldu. Ne kadar? 2 lira aldım. 4 lira diye. Hop. Fırın çarptı ki pehle partner aa gaya. Abi de sebze dekh le. ये मटर शायद, आलू मटर गोभी सारी मर गई, दो भी ऐसा कुछ ये मटर होगा, पर अभी इसका ज़रूरत नहीं है। आई ये इतना अच्छे एप्पल, रेड रेड पांच था, मैंने चार में छोटी छोटी लिया। आई आई एम सेड भी धनिया पुदीना लेना है। पाकिस्तानी खनाज में स्पेशली धनिया पुदीना है, फिर आप लोग खाना बना देती है। अभी मुझे धन bir tane maydanoz alabilir miyim? Tamam. Bir demet maydanoz, bir demet de nane. Acha mene do liya. Ne kadar? 3 lira. 3 Turkish lira kaya. Ek daniye ek pudina. 2 lira versen orada. 3 Turkish lira me ek daniye ek pudina. Ne kadar limon? 4 lira. Acha ese 4 Turkish lira kaya. Minen içi giriyor ya. Saniye. Şuradan al abi. 4 Turkish lira kata ek. İskender çeylemin hem. Sen mi ye sebze iyi mi diye. Yarım kilo tatlı tart. Enginar ketti ya. I don't know Pakistan. Abi o kâr ketti he. Or uska full sebze ise. İski andır se ye nikalti he. Hay, ab log nahi pata hai meri saath abhi kya hua. Unhone, unka employee ne mujhe pakad liya. Unhone kaha वीडियो से शूटिंग करने इजाज़त नहीं है, तो मैंने अंदर से शूटिंग करना ख़त्म किया। मैंने अभी सारी चीज़ें लिया, टोटल 75 तुर्किश लिरा लगा। अभी घर पे जा रही हूँ और अभी इफ्तारी बनाना है। वेलकम एवरीवन, मैंने आप लोगों को कहा था इफ्तारी ब्लॉग बनाना है, अभी मैंने इफ्तारी बनाना है। ये बिल्कुल पूरा तुर्किश ही इफ्तारी होगा, तुर्किश लोग कैसे इफ्तार कर देती है और हमारी इफ्तारी में क्या होती है, हम कैसे स्टार्ट करती है। अभी मैंने पहले तुर्किश डिश में स्टार्ट करनी है, तो लेट्स स्टार्ट। इधर हमारी इंग्रेडिएंट्स हैं, इधर कीमा है और प्याज है, टमाटर है, इसके नीचे गार्लिक और एक ग्रीन चिली है, हमारी टोमेटो पेस्ट है, राइस है, इधर धनिया पुदीना है और इधर हमारे मसालास है। अभी हमने दोलमा बनाना है, इसका नाम तुर्किश नाम इसका दोलमा है। इधर हमारे कैप्सिकम बैंगन एंड आलू है, हमने इधर से एक मिक्स वाला कीमा वाला मिक्स बनाएंगे और इसके अंदर फिल करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर और फेमस फूड है इन तुर्की। लेट्स डू इट। पहले हमने कीमा रखना है, ये कीमा 400 ग्राम का है, ठीक है।
और हमारी इधर एक प्याज है और अभी एक प्याज छोटी छोटी काटना है तो मेरे अभी आंखों में आंसू आएगा। एक्चुअली तो शहरी तो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए आसान था क्योंकि मेरे ब्लॉग था ना एमिलियन ब्लॉग में, उधर ही मैंने सब कुछ रेडीमेड तो लिया था तो नाश्ते ही तो हमारी मोस्टली ऐसे होती हैं, बट इफ्तारी के लिए तो अपने ख़ुद बनाना बनती है। एक दफ़ा मैंने पाकिस्तान में इफ्तारी किया था, इफ्तारी के लिए गया था, किसी ने हमको गेस्ट के लिए गया था, वो भी 2015 था शायद, अभी भी याद है, मेरी पहली रमज़ान था पाकिस्तान में। हमने स्टार्ट कर लिया पकौड़े समोसे दही बेलने फ्रूट चाट, मैंने कहा शायद खाना यही है और मैंने कितना खा सकता था मैंने इतना ही खाया। फिर हमने नमाज के लिए गया, मैंने सोचा शायद अभी हमने चाय पीना है और उन्होंने दोबारा चिकन कढ़ाई बिरयानी सारी चीज़ लिया। फिर मैंने दोस्त को कहा यार हमने अभी अभी खाना खाया, ये दोबारा खाना क्यों आया? उन्होंने कहा तो अभी तो पार्टी शुरू हो रही है। अभी मैं वापस आया, अभी मैंने गार्लिक पीस के अंदर कट किया, फिर हमने राइस डाल दिया, 2 स्पून टोमेटो पेस्ट, इधर वाइट पेपर ब्लैक पेपर रेड चिली, ये भी रेड पाउडर चिली, नमक और ओरिगानो डाला और हाफ चाय की ग्लास भी ऑयल डाला। अभी हमने ये सारी, हाँ इधर भी धनिया पुदीना है, ये सारी विद द हैंड हमने अभी इसको मिक्स करना है। अभी हमने खाना की लास्ट पार्ट में आ गया है, मैंने ऐसे ही खाना चूज़ किया कि ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप लोगों की कंट्री में भी मिलेगा, आप लोग कहाँ से आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं ये तुर्कीश खाना। अगर आपने तुर्की भी विजिट करना है यही खाना ज़रूर ट्राई करनी है। और मैंने ये अभी सारी हैंड से मिक्स किया, सारी मसाला सारी जगह में छिड़ गया। और ये हमारे कैप्सिकम है, मैंने इसे अंदर से वॉश किया। और ये मेरी कीमा वाला से ठीक है, ये ही से ऐसे इसके अंदर अभी डाल देती हूँ, जस्ट ए मिनट। या इतना ज़्यादा ऊपर ऊपर ना डाल दे क्योंकि इसके अंदर राइस है। मैंने अभी सारे अंदर फील किया, इधर कैप्सिकम बैंगन एंड हमारे आलू हैं, इधर मैंने एक पनीर बनाया, इसके अंदर 2 स्पून टोमेटो पेस्ट, गरम पनीर और बस दैट्स इट। अभी इसको हमने ऐसे इसके अंदर डालना है ताकि ये चीज़ बॉईल हो, ठीक है। ऐसे सब्ज़ी की ऊपर भी नहीं आएगा, बिल्कुल उसकी पीछे में होगा। तो अभी हमने इसको टोटल 30 मिनट्स को बॉईल करना है, फिर हमारे खाना रेडी है। अभी मैंने दोलमा बनाया, ऐसे ही दिखा देती हूँ मैं अभी आप लोगों को। इधर हमारी दोलमा बॉईल हो रही है, ठीक है। अभी मैंने इधर इसे सूप बनाना है, ये सूप थैल शहरी छोरबा से हम खेती है इसको। इधर हमने थोड़ा सा ऑयल रखा, मैंने ओपन करूँ, ठीक है। एक ओनियन है मैंने छोटा छोटा काट लिया, दोबारा 1 मोर ओनियन, ठीक है। और इधर भी हमारी 2 छोटा स्पून लाइक टेबल स्पून नहीं 2 टी स्पून का हमने टोमेटो पेस्ट होप ऐसे डालना है। अभी इनको हमने अच्छे से फ्राई करना है, ठीक है। अभी इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून मैदा रखना है, ये भी फ्लोर होती है ताकि वाइट फ्लोर है ताकि हमारे सूप ठीक हो जाए, ठीक, ज़्यादा फली वाला नहीं, ऐसे ठीक होने के लिए। अभी इसको कर लिया है, बस 2-3 सेकंड ऐसे मिक्स करना है। इधर हमारी गरम पानी है, 3 वाटर ग्लास हमने पानी डाल दिया है। अभी इनको भी ऐसे हमने मिक्स करना है और स्वीट्स बनाऊंगी। मैंने अभी आप लोगों का स्वीट्स का रेसिपी दूंगी। ये सारी चीज़ है क्या, मैं स्वीट्स में क्या बना रही हूँ ना, ये सारी चीज़ पाकिस्तान में और इंडिया में भी आपको मिलेगा, कहाँ से आप लोग भी बना सकते हैं। ये बहुत ही फेमस एक तुर्की स्वीट है, इसलिए हमारे लिए अभी 3 अंडे चाहिए
और 1 tea glass of oil, 1 tea glass of sugar, 1 paneer ka glass suji है यार, ये दिखाओ, सूजी है, हाँ ये सूजी है यार, ऐसा था शायद. और 1 glass of दही, 1 is वनीलिन, शायद आप आई डोंट नो पाकिस्तान में इसका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप था. और 1 is फॉर, इसका नाम मैंने भूल गया, इधर लिखूंगी. क्या था इसका नाम? कबाट मथोज, हम तुर्की में कबाट मथोज कहती हैं. इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर दे ऑयल के साथ. ये मिक्स करो या अभी ऐसे चीज हुआ. अभी इसके अंदर अंडा, चीनी और हमारी ऑयल है ना, दही भी डालना है. उसके बाद हमने फ्लोर एंड सूजी डालेंगे. ये लिया, इसके अंदर रखूंगी. थोड़ा सा नीचे ऑयल डाल दिया और ये सारी ऑयल अभी सारी जगह पर लगा देती हूँ, ताकि बाद में, क्योंकि मैंने इसको ओवन में रखना है. अभी हमारे स्वीट्स हो गया. आई जस्ट ऐसे ऊपर थोड़ा सा ब्राउन हो सकता है, इसमें मसला नहीं है. ओप्स, यस. हमने अभी इसको शरबत करना है. शरबत से पहले हमने इसको कट करना है. आवर केक इज रेडी. इसका नाम रेवानी है. आप लोग भी बनाकर मुझे पिक्चर भेज दे, मुझे टैग करके, मैं सारी आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम में भी शेयर करूँगी. नाउ इफ्तारी के बाद हमने ये खाना है. अभी सैलेड रेडी हो गया. इसको थोड़ा सा लेमन जूस, इसे कोई ख़ास नहीं है सैलेड में, बस इसका हम सॉस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बना देती हैं. और इधर हमारे ओलिव ऑयल्स हैं, जैसे इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ओलिव ऑयल डालना है. और ये हमारे सैलेड सॉस है, ये एक्चुअली पोमेग्रेनेट सॉस है, ठीक है. हम इसको सैलेड के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है. इफ़ आई ओपन दिस, यस. अभी इसको भी होप इतना काफ़ी है. और मैंने थोड़ा सा नमक, काफ़ी ज़्यादा नहीं, लेस, हम इतना ज़्यादा नमक नहीं खाती हैं, ऐसे नमक भी डाल दूँ. अभी इसको मिक्स करना है. फाइनली आवर इफ्तारी इज रेडी. अच्छा, मैंने क्या बनाया था, इधर हमारी सैलेड है और इधर डोलमा बनाया था, ये हो गया, पक गया. इधर हमारी सूप है, इधर हमारी डेट्स है, और ये तो ज़रूर मैंने बताना था, ये हमारी फीदे हैं. हम रमज़ान में ये नान खाती है, बस ये फीदे रमज़ान में आती है, फिर रमज़ान के बाद भी ख़त्म होती है. हम नॉर्मल नान नहीं खाती है, इसका नाम फीदे होती है, हम इसको खाती हैं. ये मेरी फुल एक दिन का इफ्तारी है. ये भी ओबियसली तो मेरी मियाँ के लिए, क्योंकि मैंने सोचा आज तो टर्किश खाना बनाया, उसके लिए राइस और इसके अंदर आलू है एज ए समोसे की, जिससे फ्राई किया. ये मेरी इफ्तारी ब्लॉग इधर ख़त्म हो गया. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई channel and like the video. Follow me from Facebook and Instagram too. आप लोग आपका ख्याल रखना. अगर आप चाहती है कि डेली इफ्तारी ब्लॉग बनाए, तो डेली नहीं बना सकती हूँ. अगर आप लोगों को मेरी ये तुर्किश खाना अच्छा लगा, बस लाइक द वीडियो, फिर मुझे समझ आएगा द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो विल कम. अभी बस अजान होने वाली है, हम जा रहे हैं इफ्तारी ओपन करने के लिए. खुदा हाफिज़.